एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, 54% पुरुष और 196 बच्चे। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? देखिए बच्चे का प्रतिशत नहीं दिया है, तो बच्चे का प्रतिशत निकालेंगे ना। 100 में से 32 हो गया महिला, 100 में देख लीजिए 32 महिला और 54 पुरुष, तो हो गया 86% खत्म। उधर बच्चा 14%, तो 14% है बच्चा। बच्चा का प्रतिशत निकाले तो 14%, कैसे? तो 32% महिला है, 32% महिला, 54% पुरुष, दोनों को जोड़े तो 86% खत्म। 100 में से 86 घटा है, 100 में 86 घटाएगा तो 14% जो बचा वो तो बच्चा है, बच्चा है तो 14% बराबर 196 बच्चा, बच्चा का दिया हुआ है 196 संख्या, तो 14% बराबर 196, तो 1% बराबर 196 बटे 14। अब जिसका पूछ रहा है उसका प्रतिशत, तो पुरुष का पूछ रहा है यहाँ विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, तो पुरुष कितने हैं, तो 54%, तो 54% बराबर कितना, 1% बराबर इतना, तो 54% बराबर, तो इसमें 54 से गुणा कर देंगे, काट दीजिए, 7 × 2 = 14, 7 से कटेगा, 7 से ही कट जाएगा, देखिए 7 × 2 = 14, बचा कितना 5, 7 × 8 = 56, तब 2 से वो कट जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, तब देखिए 28 × 27 कीजिए आंसर आ जाएगा, 28 × 27 196 आएगा, 28 × 27 कीजिए 700, कर लीजिए 28 × 27 कीजिए तेजी से, 8 × 56 = 6, बाकी 5, 7 × 14 = 5, 19 ना, 19 × 16 = 6, बाकी 1 × 2 = 4 = 5, 6 × 9 = 15 = 5, बाकी 1 × 5 = 6 = 7, 756 आंसर हो गया, 756 पुरुष, 756 पुरुष उस समारोह में था। कैसे फिर से देखिए, 14% बराबर 196, 1% बराबर 196 बटे 14, 54% बराबर 196 बटे 14 गुणा 54, काट खोट के आंसर, समझ गए? ओके,